हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर ब्लॉग। और इस वक्त देख सकते हो हम लोग कहाँ पे हैं, दोपहर के बज रहे हैं 12 और अभी हम लोग खड़े हैं मेट्रो स्टेशन पे। उनके रूम से हम लोग निकल चुके हैं, निकल इसलिए गए हैं क्योंकि आज सुबह सुबह मम्मी का फ़ोन आ गया था अचानक ही, और हमारा कोई प्लानिंग नहीं था आने का क्योंकि रात में सोया भी नहीं, पूरी रात वीडियो टीम निकल रहा है और अब सिर में इतना दर्द हो रहा है ना, बता नहीं सकता भाई चला नहीं जा रहा बिल्कुल। और फिलहाल निकल चुके हैं घर के लिए क्योंकि मम्मी का सुबह ही फ़ोन आया था जैसे बताया अचानक ही, रक्षाबंधन है, मन नहीं लग रहा, तुम लोग दूर हो और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा, और इस वजह से हम लोग निकल गए। मैं चलो चलते हैं, मम्मी ने बुला लिया तो है ना। और तुम बताओ क्या था लगा तुम्हारा सफर अचानक? तो भाई बिल्कुल ही प्लानिंग नहीं था यार, सुबह अचानक ही फ़ोन आया, सुबह हम लोग रूम लेते हैं ऐसा और अचानक फ़ोन आ गया निकलने के लिए, तो चलो निकल चलते हैं। और अभी मेट्रो के लिए खड़े हैं, एक मेट्रो तो हमने छोड़ दिया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और मेरे सिर में भी दर्द होता, दूसरी मेट्रो के लिए खड़े हैं और यहाँ भी भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो पूरी फुल भर चुकी है मेट्रो के लिए। इधर एक मेट्रो तो हमने छोड़ दिया और एक मेट्रो में रेखा जाने वाली है, अब जो आ रही है चलें इसमें। इधर देखो रास्ते कितने सारे रिक्शा खड़े हैं, हम लोग इधर से आए कि उधर से आए? उधर से आए हम लोग। एम्बुलेंस आ गई, क्या हो गया वहाँ? एम्बुलेंस आ गई, क्या हो गया वहाँ? देखो भाई मेट्रो फुल भर चुकी है भाई साहब, जगह ही नहीं है। मेट्रो आ गई हुआ गाइस, फाइनली मेट्रो से उतर लिए और इतनी खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा भाई साहब। बब्बा को तो एक सहेली मिल गई थी इस मेट्रो में और पूरी रात से बात करते आगे, मैं वीडियो अपलोड करते हुए आ गया, मेरी वीडियो अपलोड होते गई। और अब चलते हैं बाहर, की टिकट है ना उनको ही दिया था मैंने। तो गाइस यहाँ से निकलने वाले हैं बाहर और यहाँ पे देखो टिकट हो रही है जमा, ये है हमारी टिकट। बस में बैठे हुए हैं और मेट्रो से उतरने से काफ़ी देर, एक दो घंटे का बस का सफर है, अब थोड़ी देर बाद उतरने वाले हैं। मेरे पास उतरने वाले हैं दारुगेड़ा, फिर वहाँ से बैठते हैं टेम्पू, फिर निकलते हैं घर के लिए। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, और आज है नेक्स्ट डे और सुबह के बज रहे हैं 10 और अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और अभी आज है रक्षाबंधन और सभी सभी लोगों को सबसे पहले रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल हम लोगों ने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि कल वहाँ से बहुत ज़्यादा थक गए थे और रात पे ही आके सो गए, और भाई पूरे दिन सोए रहे, पूरी रात सोए रहे, अभी जाके नींद खुली है, अभी नहा वहा के फिर हो गए और घर में देखो चहल पहल सारे लोग। इधर सारे लोग आज रक्षाबंधन और रोशनी तैयार है राखी बांधने के लिए, तो उधर देखो सारे लोग तैयार है, उधर रोशनी तैयार है राखी वखी लेके बांधने के लिए।
देव अब दे दो भाई, सब रोशनी के दो, सब बाद में ले लेंगे। मौसा आ गया तो गाइस देखो, फिलहाल मौसा आ लिए। ए बेटा, हिमांशी पहचान रही है? तू कहाँ था भाई? तो गाइस फिलहाल सारे लोग आ लिए, माया भी आ गई और छोटी लाडो हो रही। देख कैमरा में, तुझे तो फोन में ही देख देता मैं बस। हाथ देखा बड़े दिनों बाद। बांध समित आ गया, बांध सभी चालू ही है। ले कब कल चले गए थे? काहे ऐसे ही कल जा रहा हूं। चलो भाई, मेरा गिफ्ट आना चाहिए मेरे पास। आ जाते तो देखो, इधर फोन में ही दिखाई दे देती, सामने दिखाई दे रही है। सुबह ही खोल के देख रहा था मैं अभी थोड़ी देर पहले। देखियो हिमांशी, देखियो दिख रही है मैं फोन में देखती। ये बैठे सामने मौसा, और मौसी आई नहीं अभी। मौसी कंपनी में है। पापा ऑफिस पे गिर जाता, आती नहीं। मेरा गिफ्ट देख जाए तेरे को मारेंगे घर में। गिफ्ट देख जाइए मेरा। अरे ले लियो, भाग रहा हूँ जैसे लग रहा है। तब क्या, तू भाग भी जाएगा, तेरा कोई भरोसा नहीं है। भाग नहीं रहा, ले लियो। आएगा ये बस से आएगा। पापा ले लो, चलो मां। बाइक ले कर आऊंगी मॉल में। नहीं।
अरे भाभी को एक और खिला दे भाई, एक और खिला, एक ही खिलाएगी। वो तो अमीर हो गई है ये। तो गाइस ये है हिमांशी हमारी छोटी सी, और फिलहाल राखी होगी बांध दिया है। ये हमारी पानी हो गया तब तो माया होगी तो भाई तो माया इसमें काफी है। आज हिमांशी चले दिल्ली बाय। मुझे नहीं करेगी बाय 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 मामे को बाय बाय तो गए भाई सारे लोग और अब बचे हम। कहाँ जाना है?